मुझे ये इस बात में बड़ी कहने में तसल्ली होती है कि दोनों ही नेता जो हैं वो ठीक हैं और गुड स्पिरिट्स में हैं, और आगे की जो रणनीति होगी जब ये लीडरान रिहा हो जाएंगे तो पार्टी की वर्किंग कमेटी बुलाई जाएगी और वर्किंग कमेटी जो है उसमें विचार विमर्श करके आगे की रणनीति। आने वाले जो बीडीसी के चुनाव हैं उसको उसके ऊपर क्या रणनीति है अभी आपकी? जो श्रीनगर कश्मीर के हमारे सारे नेतागण जो हैं वो अंडर डिटेंशन हैं, वो बंद हैं, और यहाँ तक कि अगर हमने ये लड़नी भी हो तो मैंडेट जो है वो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब ने दस्तखत करना है, उन पर PSA लगा हुआ है, और जिन्होंने वो रिकमेंड प्रपोज करना है पैनल जो नीचे से जाएगा वो जनरल सेक्रेटरी इस वक्त हिरासत में है SKICC में। तो इन हालात में जब अगर सियासी वहाँ पे कार्रवाई करनी है तो उसके लिए ज़रूरी है कि एक सियासी माहौल बनाया जाए जिसमें सब लोग बाहर रिहा किए जाएँ और सियासत की जाए, नहीं तो वो जो इलेक्शन होगी उस इलेक्शन वो बेमानी इलेक्शन।